अकेले में कभी कभी उसकी याद करके उसके लिए थोड़ा एक मिनट सोच लें, वो व्यक्ति धनवान बनेगा, महान बनेगा और उसका सम्मान भी होगा। ये उनमें शक्ति होती है। पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हुए, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वही खोए। संत बिटप सरी तागीरि धरणी परहित हेतु इन्हें के करणी। गाइए। संत बिटप सरी तागीरि धरणी परहित हेतु इन्हें के करणी। संत हृदय नाम नीत समाना कहा कबीन पर कही न जाना। संत हृदय बहुत सुंदर, सब गाइए, गाते गाते याद कीजिए। पर कहिए निज परिताप द्रवहीन नीता पर दुख द्रवही सो संत पुनीता पर दुख द्रवही सो संत पुनीता। संत बिटप सरी तागे धरणी परहित हेतु इन्हें की करणी। संत का शरीर परोपकार के लिए होता है और सबसे बड़ा परोपकार सतमार्ग पर संसार के जीवों को चलाने से होता है। आज सबसे बड़ा धर्म का काम धर्मेंद्र भैया ने किया है, सुरेंद्र ने, क्योंकि मैं सत्संग तो सुना सकता हूं लेकिन आयोजन करने वाला कोई आयोजक भी होना चाहिए और सत्संग के माध्यम से संत अपनी वाणी के द्वारा नर नारियों को संस्कार देते हैं। इसलिए संत को परोपकारियों की लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया है, पेड़ को दूसरा स्थान। पेड़ फल देगा, छाया देगा, लकड़ी देगा, स्वार्थ की चीज देगा, लेकिन संत तो परमार्थ की चीज देगा। पहाड़ पत्थर देंगे, मकान बना लोगे, दीवार फर्श बना लोगे, स्वार्थ का काम होगा, लेकिन संत तो परमार्थ में जोड़ेगा आपको। और नदियां तुम्हें जल देंगी, बांध लगा करके उनसे तुम बिजली बना सकते हो, उजाला हो जाएगा, लेकिन संत तो अपने ज्ञान से तुम्हारे दिल के अंदर उजाला करेगा, ज्ञान का प्रकाश करेगा। और धरती आपको अन्न देगी, अन्न खा करके आप जीवित रहोगे, लेकिन संत तो जीने की कला सिखा देगा। इसलिए संत को तुलसीदास ने परोपकारियों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर रखा है कि सबसे बड़े परोपकारी संत है। संत का अर्थ होता है जो पारिवारिक जीवन से पार हो गया है, जो सांसारिक विषय भोगों से ऊपर उठ गया है,
जो मोह ममता को जीत लिया है और जिसके लिए पूरा विश्व ही उसका परिवार बन गया है, उसका नाम संत होता है। और जो इंद्रियों के भोगों में आकर्षित नहीं होता है और पूर्ण रूप से उनका त्याग करता है वो संत होता है। और ऐसा संत मिल जाए तो संसारियों के दुखों का अंत होता है और आप सबका जीवन बसंत होता है। और फिर ये भी याद रखना, आदमी सुधरने की कोशिश तो सभी करते हैं और सुधरना चाहते हैं, लेकिन जन्म जन्म के संस्कार उनके साथ होते हैं, बेचारे कहीं कहीं चूक जाते हैं, भूल हो जाती है, तो उसको क्षमा भी करना चाहिए, माफ भी करना चाहिए। और क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाता है। द्वा विमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। जो गरीब होते हुए भी दान करता है और बलवान होते हुए भी क्षमा कर देता है, उसे स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। और क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी बात है, और क्षमा मांगने से अपने सिर का भार उतर जाता है, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। इसलिए हर पत्नी को अपने पति से महीने में दो बार बिना गलती क्षमा मांग लेना चाहिए कि कोई भूल चूक जाने अनजाने में हो क्षमा कीजिएगा, मन में नाराज ना होना, प्रेम से रहिए। इस तरह बोल दीजिए, पर बोलना है कठिन बहुत कठिन है, क्योंकि जो क्षमा मांगता है व्यक्ति तो उसके भीतर अहंकार जो है वो तिलमिला जाता है कि हम कोई गलती नहीं करें तो क्षमा मांगे, और इतना गलती तो वह करते हुए नहीं मांगे क्षमा, हम कहे मांगे, बड़ा तर्क वितर्क है। लेकिन तुम जिस दिन क्षमा मांगोगे, बेटा अगर अपने बाप से महीने में दो दिन क्षमा मांग लेता है, पिताजी क्षमा करना, हम बच्चे हैं, आपकी भूल हो जाती है, तो पिताजी उसकी सारी गलतियों को क्षमा करेंगे और आंखों में आंसू भर जाएंगे। कितना महान बेटा है, कितनी महान पत्नी है जो बिना गलती भी क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा मांग, परस्पर प्रेम की गंगा बहाइए और गम भी खाइए। कोई ज्यादा गलती करे थोड़ा डांट भी दीजिए, डांटने के बाद फिर उसको शाम को दूध पिला दीजिए और अगले दिन उसको ज्यादा प्रेम कीजिए। कुंभकार बनिए, ऊपर से कुम्हार बर्तन को पीटता है, अंदर से हाथ भी लगाए रहता है। कुंभकार से किसी ने पूछा अंदर से हाथ क्यों लगाए हो, तो उसने कहा घड़ा कच्चा है, कहीं अभी न फूट जाए। तो बोले ऊपर से पीटते फिर क्यों हो, बोले घड़ा इतना मजबूत बने कि कभी न फूटे। ऊपर से इसलिए पीट रहा हूं कि मजबूती आ जाए तो कभी न फूटे, और अंदर हाथ का सहारा इसलिए दे रहा हूं कहीं अभी न फूटे। यही बात सब जगह लागू है, घर में, परिवार में, आश्रम में, राजनीति में, सब जगह, अभी न फूटे कभी न फूटे, ऐसी व्यवस्था बना करके चलिए तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। मैं तो देखता हूं कि जो लोग राजनीति करते बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। कोई राजनेता गलती भी करता है तो उसको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल लेंगे, और बीच में फिर वो क्षमा मांग लेगा तो ले लेंगे, और उसके बाद किसी प्रदेश का राज्यपाल बना देंगे कि अब ठीक है क्षमा हो गई। राज्यपाल ना बनाए तो इसी प्रदेश में हुड़दंग मचाता रहेगा, होशियार है, दूसरे प्रदेश भेज दिया, उसी मस्त है, खुश है, सुविधाएं मिल गई, सम्मान मिल गया, मन को तसल्ली हो गई, वहां रहता है। कितनी कला है चलाने की, अगर ये बैलेंस ना बनाए तो पार्टी के अंदर विस्फोट हो जाएगा, बैलेंस बनाना पड़ता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी कभी ध्यान में बैठ करके आत्मावलोकन भी किया करो, अपने आप को भी पहचानिए कि मेरे से क्या भूल होती है, अपनी भूल को कबूल भी कीजिए,
घर को साफ सुथरा रखिए। अगर चाहते हो मेरे घर में लक्ष्मी आए, घर में किसी कोने में कूड़े का ढेर मत लगाइए, उठा करके यथास्थान पहुंचा दीजिए। और घर में एक बार झाड़ू लगाने का नियम नहीं है, जब कूड़ा दिखे तब झाड़ू लगा देना चाहिए। मैं नोएडा में एक जी जागरण चैनल है या क्या है, वहां गए थे हम संतों के साथ में। तो मैं आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे एक व्यक्ति पोंछा लगा रहा था, तो मैं रुक गया, तो वो भी रुक गया 5 फीट दूर पर। तो मैं मुड़ के देखा, हमने कहा पीछे क्यों आते हो? बोले जहां पांव पड़े तुरंत पोंछ देना है, इससे लक्ष्मी बरसती। मैंने कहा मालिक आपके कहाँ है? बोले बॉम्बे में रहते हैं, वो यहाँ आते नहीं। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतना बड़ा ऑफिस था, वो कम से कम वो 1000 करोड़ में बना होगा, हर समय सफाई। अपने घर में जितनी तुम सफाई रखोगे और प्रसन्न रहोगे, कपड़ों को साफ पहनोगे, दांतों को साफ रखोगे और तुम्हारे घर में बर्तन भी साफ रहेंगे, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, शास्त्रों में लिखा है, यदि झूठे हाथों से घी नहीं छुओगे, कोई अतिथि निराश होकर तुम्हारे द्वार से वापस नहीं जाएगा, और आपके माता पिता बूढ़े, उन्होंने कितना तुम्हारे साथ में गलतियां की है, लेकिन फिर भी उनका तुम सम्मान रखोगे तो तुम लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे, लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे, कभी संपत्ति कम नहीं होगी, बहुत बड़ी संपत्ति मिलेगी, चिंता मत कीजिए। काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया, और जो सदाचारी हो जीतेंद्री हो उसको गुरु बनाए। तो मैंने प्रसंग लिया था, कबीर साहब से एक प्रश्न पूछा गया, कौन सा प्रश्न था? भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, यही था ना? भक्ति मुक्ति दिलाती है और संपत्ति आपको सुविधा दिलाती है। संपत्ति की भी जीवन में आवश्यकता है, संपत्ति को निंदा नहीं किया जा सकता। जो धनवान की निंदा करता है वो धनहीन हो जाता है, जो बुद्धिमान की निंदा करता है वो खुद बुद्धिहीन हो जाता है, जो वैराग्यवान की निंदा करता है वो वैराग्य विहीन होकर के राग रंग में डूब जाता है। और याद रखना, जो व्यक्ति महान की निंदा करता है वो स्वयं अधम से अधम हो जाता है, इसलिए कभी बुद्धिमान की निंदा मत करना, ज्ञानी की निंदा मत करो। कितने लोगों का तो स्वभाव होता है सभी की निंदा ही करना, और कितने लोगों की तो आदत है कि जो उन्नति करने लगे उसी की बुराई करने, बोलने लग जाते हैं सब लूट लूट के पैसा रख लिया। तो उनसे पूछो, तुम्हें लूटने का मना किसने किया? तुम हमसे पहले लूट लेते, तो कहते हम सत्यवान हरिश्चंद्र, तो लुटा ही देते, फिर डोम घर पानी भरते, यहां का करते, पूरा चोर है आदमी। परिश्रम करके सही गणित बिठा करके काम करने से सफलता मिलती है, और अनेक जन्मों का प्रारब्ध आपके साथ है, भाग्य साथ में है। जिसका भाग्य कमजोर है बेचारा मेहनत बहुत करता है लेकिन सफलता कम मिलती है, और जिसका भाग्य प्रबल है कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलती है। और भाग्य को यदि इस जीवन में सुधारना है तो 5 चीजें सुधारिए। नंबर 1, अपना व्यवहार सुधारिए, व्यवहार साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 2, आपका चरित्र ठीक होना चाहिए। नंबर 3, आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी बात बोलो कि 100 लोगों की बात के ऊपर तुम्हारी बात ज्यादा भारी पड़नी चाहिए, और स्वभाव को सुंदर बनाइए। ये जितनी चीजें बता रहा हूं इनमें पैसा नहीं खर्च होता, लेकिन ये अच्छी हो जाए तो पैसा आता जरूर।
स्वभाव सुंदर और कर्म अच्छे कीजिए, आलस्य मत कीजिए। ये पांच चीजें अगर आपने बदल ली तो इसी जीवन में आपका भाग्य चमक सकता है। आप देखिए जिनका जिनका भाग्य बिगड़ा है उनकी पांच चीजें बिगड़ती हैं। स्वभाव बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, वाणी बिगड़ गई, कर्म बिगड़ गए, भाग्य बिगड़ गया। फिर भाग्य रेखा चाहे जितने ज्योतिषी को दिखाओ, ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता और किसी ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अभी अगर मैं रेखाएं देखने लगूं तो लोग हमारे पास नंबर लगा देंगे कि हमारा देख लो, पहले हमारा देख लो। कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में, सब कुछ है तुम्हारे हाथ में, जो तुम चाहो वही है तुम्हारे हाथ में। जीवन बहुत सरल है, इसको उलझन में मत बिताइए। समस्याएं सबके पास आती हैं, निराश मत होइए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, किसी की मृत्यु होने से दुख के कुएं में मत डूबिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। तुम्हारा कोई बहुत प्रिय है उसका वियोग हो गया, अपने आप को समझाइए और संभालिए कि संयोग जहां है वहां वियोग होता है, जन्म है वहां मरण होता है, दिन है वहां रात भी होती है। हम सब यहां आए हैं तो यहां से जाएंगे भी, तो ये तो एक संसार का नियम है। इस नियम को हम तुम कहां क्रॉस कर सकते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जीवन को समझने के लिए बार बार सत्संग सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, और जिस तरह का तुम्हारा संस्कार है उस कार्य को मन लगा कर कीजिए। सबका अलग अलग संस्कार होता है। अगर खेती में मन लगता है तो खेती मन लगा कर कीजिए। हमारे विजय भाई पटेल शालपुरा डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा बोड़ेली के खेती करते हैं, खेती में करोड़ों रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन यूपी जैसी खेती नहीं करते। खेती यानी फिर बहुत तरीके से खेती करते। टमाटर का एक पौधा दो दो तीन तीन कुंटल टमाटर देता है, यहाँ तो 200 पौधे में 2 कुंटल हो जाए भाई बहुत। जो पौधा देखो वह घुंडा हुई गया, पत्तियां सिकुड़ गई, मुड़ गई और उसमें रोग लग गया, नोच फेंक दिन कहीं कोई हुआ, खेती करना नहीं आता। सबसे पहले वह 3 फीट चौड़ी मेड़ बनाते, मेड़ पर टमाटर का पौधा लगाते और टमाटर के पौधे के नीचे उस मेड़ पर ड्रिप, वो ड्रिप बोलते क्या बोलते, ड्रिप, उस लाइन को बिछाते, बूंद बूंद पानी टपकता है। यूपी में कैसे करते हैं, पूरा ट्यूबवेल खोल दिन, ताल वस भर दिन, टमाटर छको टमाटर देवता, टमाटर बूढ़ गवा सड़ गवा, कल देखे ना कहीं सूखे गवा, कोई रोग लगा, रोग नहीं लगा तुम्हारे बुद्धि नहीं। और फिर टमाटर के पौधे के ऊपर वो तार का जाल बिछाते हैं, पूरा खेत में तार का जाल, और रस्सी से सुतली से टमाटर की एक एक टहनी को ऊपर बांधते हैं कि जमीन में गिरेगा तो सड़ेगा। एक एक टमाटर के पौधे में दो दो तीन तीन कुंटल टमाटर आता है। इस तरह खेती करते हैं। सब्जी की खेती ये परवर वगैरह जो है ये भी सब करेला परवर सब तार के ऊपर फैलाते हैं। मैं आपसे कहता हूं आप ज्यादा नहीं केवल 20 पौधे टमाटर के लगाइए, ऊंची मेड़ बांधना और पौधे के नीचे झिल्ली भी लगाते हैं ताकि कहीं बरसात हो जाए तो मेड़ भीगे सड़े न जाए, झिल्ली बिछाते हैं और वहां डीप से पानी गिराते हैं। तुम 20 पौधे केवल तैयार करो, पूरे घर के लोग सब्जी खाओगे, पड़ोसी भी खाएंगे, केवल 20 पौधे। और घर भी ऐसा बनाओ कि घर के पीछे थोड़ी जगह छोड़ो और साइड से रास्ता दो, 10 फीट चौड़ा 12 फीट चौड़ा, ट्रैक्टर ट्राली पीछे चली जाए, पीछे भूसा रखिए, पैरा रखिए, भैंस रखिए, थोड़ी सब्जी उगाइए और सामने साफ सुथरा क्लीन रखिए थोड़ा, जहां आपकी कार खड़ी हो सके गमले लगाइए, फूल पौधे लगाइए और जहां मेहमान बैठ सके।
और मेहमान बैठे हैं पीछे, महिलाएं पशुओं की सेवा भी कर सकती, उधर से सब्जी भी टमाटर की ले सकती। अब तुमने भैंस बांध दी सामने, अब गोबर कर रही है, मेहमान बैठा है, गोबर की पूंछ मारा, मेहमान छिप गया, बोले होली है आप भी ले जाओ कुछ। ये सब डिस्टर्ब है, छत्तीसगढ़ में जाकर देखो, ये सीखो आप। ये उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बननी चाहिए। हालांकि ये प्रवचन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम दया भाव से आपको इसलिए बताते हैं कि आगे जब मकान बनाना तो इस ढंग से बनाना, क्योंकि तुम छत्तीसगढ़ जा नहीं पाओगे, हम जाते हैं तो बता देते हैं आपको। आपके द्वार के सामने कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे लक्ष्मी आती है। फूल पौधे लगे होने चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। आपकी कार खड़ी करने भर की जगह हो, 50 कुर्सी पड़ जाए, लोग बैठ सके, फिर देखिए आपका उत्थान कितना होगा। सब जानवर गोबर सब पीछे होना चाहिए, और महिलाएं जब पीछे पशुओं को संभालेंगी तो ये बीमार भी कम होंगी, इनको भी काम मिल गया, क्योंकि धान कूटने का काम खत्म इनका है, गेहूं पीसने का काम खत्म है, दाल पीसने का काम खत्म, मसाला पीसने का काम खत्म, सिलौटी बांट खत्म, अब ये किसको बांटे चटनी बनाओ। कई औरतें तो अपने पति खोपड़ी चटनी बना देती है, सब रगड़म रगड़ी झगड़म झगड़ी चलती, तो इनको भी काम चाहिए। और पीछे से आमदनी इतनी हो जाएगी, अगर 4 भैंस पली है, 40 लीटर दूध हो रहा है, उसी आमदनी से तुम विकास कर सकते हो। वाइफ अगर कहती है कि हमें 1000 रुपये की साड़ी चाहिए, उसको कह दो 2000 की ले लो, फर्क क्या है, आपकी मेहनत से आ रहा है। आय के स्रोत बनाइए, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्य प्रीवादनी च वत्स्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दारा विमर्शम दम्भम अस्तैन्नम पयसनम मद्यपानम च न सेवते यस्य सुखी सदैव। विदुर जी नीति शास्त्र में कहते हैं कि अर्थागमो नित्यम, कोई कदम उठाइए उसमें आर्थिक आमदनी का स्रोत होना चाहिए। हमसे जो भक्त पूछते हैं कि लखनऊ मकान बनाना है या दिल्ली में बनाना है, तो मैं उनको सुझाव देता हूं, भले 1 साल रुक करके प्लाट लेना, लेकिन प्लाट ऐसी जगह लेना जहां नीचे पूरी मार्केट हो जाए, दूसरी मंजिल पर निवास करो, तीसरी मंजिल पर बेटे बहू रहे, नीचे पूरी दुकान आखिरी तक, 2 मंजिल दुकान बन जाए तो और अच्छा। कम से कम डेली 10,000 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए, तो टेंशन नहीं रहेगी, आराम से बैठकर जिंदगी जी सकोगे। अब मकान बना दिया, उसमें प्रॉफिट 1 रुपये का नहीं है, तो भोजन कहाँ से खाओगे, कपड़ा कहाँ से पहनोगे। कितने लोग मकान बना के टेंशन में पड़े। छत्तीसगढ़ में एक भक्त आए तो बोले 55 लाख का मकान बनाया हूँ, बेच रहा हूँ तो बिक नहीं रहा। तो हमने कहा बेच क्यों रहे, पिछले साल तो उद्घाटन करवाए। तो बोले अब समस्या बहुत खड़ी हो गई। तो हमने कहा पहली गलती ये, 55 लाख लगाना था तो सिटी के अंदर में मकान बनाने की क्या जरूरत है, मेन रोड पर जगह लेना था, अब मार्केट पहले बना देते और किराए के मकान में रह लेते 5 साल और पूरा पैसा कमा लेते, तब टाप का मकान खड़ा कर लेते। बोले गुरुदेव आपसे मिलन बहुत बताई हुई बात ने, हम कि नहीं मकान बताई कि कल्याण बताई तुम्हें। अब ये सब बात यहाँ मंच पर हम बताएं अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी में बोल दिया हूँ। इसलिए बोला हूँ कि मैं आपको धनवान देखना चाहता हूँ, संपन्न देखना चाहता हूँ, किसी भक्त को गरीब नहीं देखना चाहता हूँ। जब सत्संग हो यहाँ 200 कार खड़ी होनी चाहिए, इसलिए बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा किसी को, बोलो ना मुंह से, अच्छा लगा, ठीक है विनोद गुप्ता, और इधर सबको अच्छा लगा, ठीक है। थोड़ा व्यवहारिक बात भी बताना जरूरी है। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो हाल वही होगा जो लंका के रावण का हाल होता। और भक्ति यदि है तो भक्ति आपको मीराबाई बना सकती है,
जो आपका यश संसार में होगा, शिवरी बना देगी जो गुणगान होगा, ध्रुव प्रहलाद भक्ति तुमको बना देगी जो तुम्हारा संसार में कीर्ति फैलती रहेगी और तुम्हारा लोग नाम लेंगे। इसलिए भक्ति आवश्यक है। और ऐसे गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधिए, गुरु दीक्षा भी लीजिए, गुरु मंत्र भी लीजिए, निगुरा बनकर मत घूमिए। गुरु के चरणों में जुड़िए। अभी कुछ भक्त लोग आए, कह रहे थे हमको गुरु मंत्र लेना। हमने कहा सत्संग के बाद मिलेगा। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश, इसको छोड़िए और गुरु भक्त बन जाइए। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। गाइए भजन, फिर समापन करता हूं। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। मिलके नहाए लो चल के नहाए लो। मिलके नहाए लो चल के नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। जिनके चरणन निकरी गंगा, जिनके चरणन निकरी। चाहती है पग की दुरिया सब मिलके नहाए लो। चाहती है पग की दुरिया सुस्ती मिट जाए सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े। शंकर बने हैं पुजरिया हो सब मिलके नहाए लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। काम क्रोध मद लोभ को जीते काम क्रोध मद लोभ को जीते। माया है उनकी कहरिया हो सब मिलके नहाए लो। माया है उनकी कहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। काया काशी में आत्म गुरु है काया काशी में आत्म गुरु है। कहते हैं संत पुकरिया हो सब मिलके नहाए लो। कहते हैं संत पुकरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। लो सद्गुरुदेव की जय। अरब खरब लो द्रव्य हो
उदय अस्तलो राज भक्ति महातम ना तुले ई सब कौने काज। सज्जनों और देवियों, अपनी भाव श्रद्धा के साथ लगातार 2.5 घंटे तक प्रवचन का रिस्पांस आनंद लिया है। सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं और जिस तरह का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, अढ़ौरा के धर्मेंद्र कुमार जी, श्री सुरेंद्र प्रताप वर्मा प्रधान जी मुख्य आयोजक हैं, पूरे अढ़ौरा के लोग इसमें तन मन से सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम आप अपने जिले में, क्षेत्र में, गांव में भी करा सकते हैं, जिसके लिए आप कार्यालय में भी अपना नाम पता नोट करा सकते हैं। कभी आपका नंबर आ जाएगा 7722920000। इस नंबर पर बात करके आप छत्तीसगढ़ से तारीख प्राप्त करेंगे। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग अभी गुरुदेव जी के आज प्रथम दिन के सत्संग में उपस्थित होकर आप सब लोग सत्संग का लाभ लिए हैं। अब आरती तैयार हो गई है, तो सभी लोग भाव श्रद्धा पूर्वक आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें और उसके बाद में आप सब लोगों को गुरुदेव जी तक आने का अवसर दिया जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विवेक की बाजी ज्ञान आधार, विवेक की बाजी सुरति ज्योत जहाँ जाहे आरती हो, सुरति ज्योत जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती दीन दया गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती करीब निवास साहिब आरती हो। परश गुरु चरण शरण भयो, परश परश गुरु चरण शरण, टूटी गयो यम के जा साहिब आरती, टूटी गयो यम के जा साहिब आरती, आरती करीब निवास साहिब आरती हो, आरती
तेरे संतन की कृपा से आहे वो कबीर संतन की कृपा भया हो परक पर का साहेब आए दिन भया हो परक पर का साहेब आए दिन आरती करीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। बोली सतगुरुदेव की जय। बोली सतगुरुदेव की जय।